फ्रेंड्स जनरली ईमेल का इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने टैली के किसी भी लेजर स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट को पीडीएफ फाइल में अपने पार्टी तक सेंड कर सकते हैं और इसे सेंड करने में जो एरर आती है उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको टैली ओपन करने के बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। इसके लिए आप या तो फिर F12 कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर F12 प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहां से ईमेलिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, ईमेलिंग के ऑप्शन पर आकर आपको एंटर प्रेस करना है। यहां पर आपको ईमेलिंग कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट शो होगा जहां पर आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले ईमेल सर्वर चूज करने का ऑप्शन आता है, तो मैं यहां पर जीमेल चूज करूंगा। इसी तरह से आपको हॉटमेल या फिर याहू मेल चूज करना है, तो मैं यहां पर जीमेल चूज किया। इसके लिए जीमेल का सर्वर एड्रेस बाय डिफॉल्ट आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर यूज SSL पर यस करना है, इसके बाद नो, और यहाँ से आपको फॉर्म में अपने कंपनी का नाम देना है। जैसा कि यहाँ पर मेरा अकाउंट सिक्ति आ चुका है, यहाँ पे फॉर्म ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। और फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस देने के बाद यूजर नेम फॉर ऑथेंटिकेशन में आपको दोबारा उसी ईमेल एड्रेस को देना है। तो यहाँ से ईमेल एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको अपने जीमेल का जो पासवर्ड है उसको देना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ अपने जीमेल का पासवर्ड। इसके बाद फॉर्मेट में आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट का क्या सेटिंग करना है, तो जनरली मैं पीडीएफ करके रखता हूँ, A4 पेपर साइज चूज करके रखता हूँ और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में डालता हूँ। सो एडिशनल डिटेल्स फॉर ईमेल को यस कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपको ईमेल के थ्रू किसी पार्टी का लेजर सेंड करना है, तो इसके लिए आपको डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाना है। मान लीजिए कि मुझे संदीप इन्फोटेक का लेजर सेंड करना है, तो फ्रेंड्स लेजर में आने के बाद मान लीजिए कि मुझे इस लेजर को पार्टी के पास पीडीएफ फॉर्म में मेल करना है, तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड से ऑल्ट एम प्रेस करना है। ऑल्ट एम प्रेस करने के बाद मेलिंग लेजर का चार्ट आ जाएगा, यहाँ से मुझे जीमेल वगैरह चूज करना है। जीमेल जैसा कि वहां पे सेटिंग की गई थी वो सारी सेटिंग है, बस दोबारा यहाँ पे मुझे पासवर्ड लिखना है। इसी तरह से आप पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ से बाय डिफॉल्ट पेपर साइज वगैरह चूज करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू एड्रेस चूज करना है अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं शो करता है। एक्चुअली फ्रेंड्स लेजर के कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर आप ईमेल एड्रेस दिए रहते हैं तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाता, बट यहाँ नहीं देने की वजह से मुझे न्यू एड्रेस चूज करना पड़ रहा है और यहाँ पे मैं नया ईमेल एड्रेस लिखूंगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सीसी और बीसीसी में अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो आपको डालना है। इसके बाद सब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट जो चला आएगा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपको ईमेल मैसेज जो लिखना है, तो जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल नेम अगर आपको मॉडिफाई करना ही है तो मॉडिफाई कर लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर फ्रेंड्स आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भेजना है तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स चूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल लेजर चूज करना है। और यहाँ से बाकी सारी डिटेल्स को यस नो करते हुए आपको एंटर एंटर प्रेस करते हुए चले जाना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड का एक एरर आ गया, तो फ्रेंड्स इसके लिए मुझे गूगल अकाउंट में एक सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ऑन किया, तो फ्रेंड्स ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल ऐप्स का जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और अकाउंट्स में चले जाना है। तो फ्रेंड्स अकाउंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन शो हो रहा है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ से आपको ऑफ शो होगा, तो ऑफ को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर टर्न ऑन एक्सेस पर क्लिक करना पड़ेगा। टर्न ऑफ एक्सेस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर अलाउ लेस सिक्योर एप्स का ऑप्शन है, जहां से मैं ऑन कर दिया। फ्रेंड्स इसको ऑन करने के बाद वापस मैं टैली में जा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स टैली में आने के बाद यहाँ से दोबारा ऑल्ट एम प्रेस करके मेल करना है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे पासवर्ड ठीक उसी तरह से देना है, ईमेल एड्रेस में और इस तरह से इसे मेल को यस कर देना है। यस करने के बाद फ्रेंड्स प्रोसेसिंग में टाइम थोड़ा सा लगेगा और उसके बाद ये कोई एरर शो नहीं किया। तो मैं चलिए चेक करके देखता हूँ कि ये मेल मेरे पास आई है या नहीं है। तो इसके लिए जीमेल ईमेल खोला यहाँ पर और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ मैं ईमेल को। ईमेल रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ईमेल आ चुकी है और यहाँ पर जो लेजर का डिटेल है वो सारा शो करने लगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से टैली में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने पार्टी के पास या फिर किसी दूसरे ईमेल आईडी पर डायरेक्टली यहीं से सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।